चले मेरी जान, कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा बेटा, कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे बच्चे है ओहम्स लॉ, फेडरल केपे की और पंजाब, तीनों बुक्स को, तीनों को पैरेलल लेके चलते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा, आपने ओहम्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले, सपोज हमारे पास एक वायर है, आपने वायर की एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दिया, दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया। ठीक हो गया मेरी जान? मैं हमेशा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए ये बात करता हूं कि आप ये समझें कि आप यहां पे जो पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हो, इट इज जस्ट लाइक अ प्रेशर, लाइक मतलब आप इसको प्रेशर ना कह दीजिएगा, इट इज जस्ट लाइक अ प्रेशर। और यहां पे जो चार्जेस हैं, जिन्होंने कन्वेंशनली पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करना है, इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो आप उसको कंसिडर कर लें जस्ट लाइक द फ्लूड, जस्ट लाइक द फ्लूड। फ्लूड कहते हैं मेरा बेटा लिक्विड और गैसेस को। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा फ्लूड मूव करेगा, फ्लूड लिक्विड और गैसेस। मैं ये बात लिख सकता हूं मेरे बेटे कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यहां पे एक बड़ा मजेदार पॉइंट है, आप सबको बड़े अच्छे से पता होगा कि जब दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ जाए, तो मेरे बेटे हम जब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन देता है, और वो स्ट्रेट लाइन आपको बताती है कि जो आपकी स्लोप है वो कांस्टेंट आएगी। अब मेरे बेटे जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो इस चीज का ख्याल रखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स पे आए और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई पे है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स पे आ गई जो कि हमारे पास वी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी आए जो कि वाई पे आ गई। अब बहुत से लोग इस चीज में जब वी इज इक्वल टू आई आर निकालते हैं तो कह देते हैं जी ग्राफ गलत है, यहां पे वी ले और यहां पे आई। ऐसा नहीं होता, वी किस पे होता है मेरा बेटा एक्स पे, और आई किस पे होता है वाई पे। स्लोप निकालने का सबसे आसान मेथोडोलॉजी क्या होती है मेरा बेटा? अगर बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला भी लिखूं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन। स्लोप का फॉर्मूला मेरे बच्चे क्या आता है आपके पास? राइज ओवर रन। राइज की अगर बात करें तो मेरा बेटा यहां पे हमारे पास आ गया आई, रन की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया वी। अब मेरे बच्चे यहां पे जो स्लोप है वोल्टेज और करंट की, वो आपको देती है कंडक्टेंस। क्या देती है मेरा बेटा? कंडक्टेंस। क्या देती है मेरी जान? कंडक्टेंस। जी इज इक्वल टू आई ओवर वी आर है, शादी ने भी आज ही स्टार्ट होना है भाई। अच्छा मेरे बेटे, ये हमारे पास आ गया कंडक्टेंस, जी इज इक्वल टू आई ओवर वी। बहुत से लोग इसको वी ओवर आई करके आर कह देते हैं, लेकिन कैसे? कंडक्टेंस का मतलब है ये कंडक्टर कितना परमिट करेगा आपको कि चार्ज इसमें से फ्लो कर सकता है। इसको मेरा बेटा क्या नाम देते हैं? कंडक्टेंस का। अब मेरे बच्चे अगर आप गौर करें, कंडक्टेंस की डेफिनेशन करनी हो तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अगर मेरे बेटे मैं लिखूं कि जी वन ओवर आर इज इक्वल टू जी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, तो इसका उलट भी ठीक होगा ना कि अगर मैं रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस लूं तो वो किसके को लाएगा बेटा? रेजिस्टेंस के इक्वल। वो किसके को लाया जाएगा मेरे बच्चे? रेजिस्टेंस के इक्वल। जिस तरह रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस है, इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। अब मेरे बच्चे अगर आप अपने फॉर्मूला में जाएं, ये वैल्यू जी की है, अगर मैं इसे वन, इसे इक्वेशन नंबर ए कहता हूं। अब ओहम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे, अगर मैं इसे वन ओवर जी कर देता हूं तो ये उलट जाएगी वैल्यू, ये क्या बन जाएगा? वी ओवर आई, वी ओवर आई। अब अगर गौर करें मेरे बेटे तो ये आई ओवर जी
सॉरी 1/g किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस के। सो आर किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा? वी ओवर आई के। आई नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो वो जो मैथमेटिकल फॉर्म आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो अटेन हो गई। V इज इक्वल टू आई आर, जिसे हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? ओहम्स लॉ का। अमेरिजन, हमें बड़े अच्छे से पता है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता मेरा बेटा, सबसे पहले व्हाट इज द रेजिस्टेंस? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को फ्लो होते हुए जिस रुकावट का सामना करना पड़ता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, इसकी डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल इसका ओहम्स लॉ के साथ क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब जरा इस स्टेटमेंट से रेजिस्टेंस को बाहर निकालें, जरा गौर करें। तो हमारे पास यहां पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको, वी ओवर आई आर है। अब जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे करंट उतना ही ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, यही बताया गया ना यहां पे। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब तो ये होगा रेजिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। लेकिन प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस कम भी होती है ज्यादा। बट ये चीज हमें पता चल गई कि अगर हम बात कर रहे हैं ओहम ला की, तो ओहम ला वहां पे वैलिडिटी रखता है या वहां पे मौजूद है जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? सेम है। रेजिस्टेंस कम हो जाए या रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो इसका मतलब है वो कोई भी कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर मटेरियल है या कुछ भी है, तो वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस सेम है तो किसको ओबे कर रहा है मेरा बेटा? ओहम्स लॉ को। अब मेरे बच्चे यहां पर जो लिमिटेशन है, जो शरायत है, वो ये है कि आपके पास दो चीजों का ख्याल रखना है ओहम्स लॉ के अंदर, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया वो स्टैंडर्ड हो, टेम्परेचर आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अब मेरे बच्चे जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? देखो भाई, बहुत ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे तो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को लाइट करेंगे एटम्स के साथ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो फिर ओहम्स लॉ तो नहीं रहेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तब भी ओहम्स लॉ नहीं रहेगा। जब तक हमने ओहम्स लॉ की वैलिडिटी की बात करनी है, हमें ये पॉइंट हर वक्त अपने जहन में रखना होगा कि रेजिस्टेंस क्या रहे? सेम। इसी के बिहाव पे दो छोटी सी डेफिनेशन, व्हाट आर ओहमिक डिवाइसेस एंड व्हाट आर नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं, अगेन वही बात, जिनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। और जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ना रहे, या तो बढ़ जाए या फिर आपके पास कम हो जाए मेरा बेटा टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से, तो मेरा बेटा वो आपके पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस होती हैं। ओहमिक डिवाइसेस की सबसे बेस्ट एग्जांपल्स ऑल द मेटल्स, या फिर इसके अलावा ओहमिक को एक्सप्लेन करते हुए आप ये भी कह सकती हैं, विच ओबे द ओहम्स लॉ, और जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगी उनकी रेजिस्टेंस सेम होगी और वो आपके पास ओहमिक डिवाइसेस कहलाएंगी। और जिनकी रेजिस्टेंस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, इसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं मेरा बेटा, उनमें सबसे एग्जाम्पल आपके पास आती है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर किस ग्रुप के एलिमेंट है? सिलिकॉन जर्मेनियम। जनाब, सिलिकॉन जर्मेनियम किस ग्रुप के एलिमेंट है? थर्ड के या एट के या फोर्थ के? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स है सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर देख लो एक दफा। सिलिकॉन जर्मेनियम इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, या फिर आपके पास फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये मेरा बेटा, या थर्मिस्टर LDR, ये सब आपके पास ओबे करते हैं, सॉरी ओबे नहीं करते, इनकी रेजिस्टेंस या तो कम हो जाती है या इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से। इसका मतलब है यहां पे रेजिस्टेंस सेम नहीं तो ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करे। फोर्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, आई थिंक जो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है, तो फोर्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेमीकंडक्टर्स हैं और वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसलिए मेरा बेटा इन्हें हम क्या नाम देते हैं? नॉन ओहमिक डिवाइसेस का।
मेरे बेटे पहले तो ये एक स्टैंडर्ड यहाँ पे ये होता है कि अगर जैसे कि मेटल्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, कम होती है, एक खास हद तक रेजिस्टेंस सेम रहती है, एक लिमिट तक। अगर आप लिमिट को एक्सीड करते हो तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पे भी बाय अप्लाइंग द मतलब ये कह सकते हो कि एक्सेस ऑफ द वोल्टेज या एक्सेस ऑफ द टेम्परेचर ये भी चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। जितना भी फिलामेंट ऑफ बल्ब है या सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन या जर्मेनियम है, इसमें क्या होता है मेरा बेटा कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो या तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग अपॉन रेजिस्टेंस के बाद अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। दो तरह के पढ़ेंगे, एक की रेजिस्टेंस बढ़ती है और एक की रेजिस्टेंस कम होती है। तो ये मेरा बेटा इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।